ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में होने वाले इस महा आयोजन में भाचा राम के ननिहाल से 300 मेट्रिक टन चावल भेजा जाएगा। 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन चावल भेजेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर चावल से भरे ट्रकों को रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया, भगवान श्री राम लला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। इस भव्य आयोजन में होने वाले भंडारे में प्रदेश के सभी राइस मिलर्स मिलकर अच्छी किस्म के चावल भेजेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। 28 दिसंबर को वे ट्रकों को रवाना करेंगे। बिलासपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय दुआ ने बताया कि अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जिसके लिए आयोजन समिति की ओर से महाभंडारे का आयोजन किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यादगार बनाने के लिए देश भर में अक्षत पीले चावल वितरण किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान होने वाले हैं। इससे पहले न्योता देने अयोध्या धाम से अक्षत कलश तैयार कर गांव गांव भेजे जाएंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।